प्रिय दर्शकों, आज हम गाजर का अचार बनाना बताएंगे। तो हमने गाजर का छिलका उतार के बड़े पीस में काट लिया है, अदरक काट लिए हैं, थोड़ा कलौंजी ले लिए हैं, एक बड़ा चम्मच सरसों है, काली सरसों, लौंग है, काली गोल मिर्च, धनिया, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सभी मसालों को रोस्ट करके पीस लेंगे। सौंफ भी है, लहसुन का छिलका उतार के ले लिए हैं, हरा मिर्च काट लिए हैं। तो सबसे पहले गाजर को उबाल लेते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। गाजर को धूप दिखा देते हैं एक दिन के लिए। ये देखिए, एक दिन में बढ़िया सूख चुकी है गाजर। इस तरीके मसाले को रोस्ट करके अब पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया, थाली में निकाल लेते हैं। काली सरसों पीस लेते हैं, ज्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। इनको भी थाली में डाल लेते हैं। लहसुन, अदरक, इनको भी दरदरा पीस लेंगे। इनको भी मसाले में डाल लेते हैं। सरसों के तेल को हमने गरम करके ठंडा कर लिया है। एक चौथाई चम्मच हींग डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। काफी ठंडा हो चुका है, अब हम मसाले डाल देते हैं। हरा मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमने मिला दिया है, अब गाजर डाल देते हैं, इनको भी मिला देते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई गलतियां हो माफ करिए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। इस अचार को 8 से 10 दिन तक धूप दिखाएंगे, फिर इसे खाएंगे।